अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में बिल्कुल खैरियत से हों, ठीक ठाक हों। बात दरअसल ये है कि आजकल के फैशन का कुछ नहीं पता, क्या जनाना क्या मर्दाना, पर आज क्या है बनाना हमने तो ये था बताना। जी जनाब, आज हम लोग बनाने लगे हैं मज़ेदार सी वाइट चिकन कढ़ाई। वाइट चिकन कढ़ाई बनाने के लिए मैंने सारे मसाले जो हैं वो रेडी करके रखे हुए हैं। इनको हम आहिस्ता आहिस्ता ऐड करते जाएंगे और फिर मैं आपको बताती जाऊंगी कि क्या चीज़ मैंने इसमें ऐड की है। चलें सबसे पहले हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। जी, इस पैन में हम सबसे पहले ऑयल ऐड करेंगे। इसमें मैंने तकरीबन हाफ कप के करीब ऑयल ऐड किया है। इसको हल्का सा गर्म होने दें। ये हल्का सा गर्म हो गया है, अब इसमें जाएगा एक दालचीनी का टुकड़ा, दो हरी इलायची और एक करी पत्ता। इसको हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और अदरक लहसुन के साथ मैंने हरी मिर्च भी पीसी हुई है। 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने ली थी और उनको अच्छे तरीके से पीस के इसके साथ पेस्ट बना लिया है। और अब मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून जो हैं वो ऐड कर दिए हैं। इसको अच्छे से हम हिला लेंगे। अच्छा, मैं तकरीबन 1/2 kg जो है वो बोनलेस चिकन के साथ ये वाइट कढ़ाई बना रही हूँ। आप चाहें तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में अपने हिसाब से बना सकते हैं, और जिस तरह आप उसकी क्वांटिटी ज़्यादा करेंगे चिकन की, आप उसी हिसाब से मसाले भी जो है उनको डबल कर लेंगे। ठीक है, ये बड़ी अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। अब हम इसमें जो बोनलेस चिकन है मेरे पास उसको ऐड कर देंगे। ये हमारा 1/2 kg चिकन इसमें ऐड हो गया है। अब हम इसको अच्छे तरीके से मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये देखें, हमारा चिकन जो है वो फ्राई हो रहा है। तो जितनी देर में चिकन फ्राई हो रहा है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मैंने 2 से 3 प्याज लेकर उनका पेस्ट बना के रखा हुआ है। ये देखिए व्यूवर्स, मैंने 3 छोटे साइज़ की प्याज ली थी। अगर आपके पास मीडियम साइज़ की प्याज है तो आप 2 डालेंगे, अदरवाइज़ आप अगर छोटे साइज़ की है तो 3 आप डाल सकते हैं। मैंने 3 लेके उनका पेस्ट जो है वो बना के रखा हुआ है। हमारा चिकन जब फ्राई हो जाएगा तो हम इस पेस्ट को चिकन के अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने इसमें बोनलेस चिकन ही इस्तेमाल करना है, आप बोन वाला चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त अवेलेबल था बोनलेस चिकन, तो मैंने सोचा कि इसको बोनलेस बना के देखते हैं। ये देखिए, हमारा चिकन जो है वो बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर हमने प्याज का जो पेस्ट बना के रखा हुआ है उसको ऐड कर देना है। ये प्याज का पेस्ट इसके अंदर मैं ऐड करने लगी हूँ। प्याज के पेस्ट को ऐड करके इसको अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लें, और उसके बाद इसको धीमी आंच पे बनने के लिए रख दें ताकि ये प्याज जो है ये अच्छे तरीके से इसके अंदर फ्राई हो जाए। प्याज का पेस्ट ऐड करके मैंने इसको बनने के लिए रख दिया है। अभी यहाँ पे मैं आपको इस मसाले के बारे में बता दूँ। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो ज़ीरा और 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, उसको लेकर मैंने तवे के ऊपर भून लिया था, और उसके बाद मैंने इसको थोड़ा मोटा मोटा जो है वो पीस लिया है। ये हमारा मसाला जो है वो हम ऐड करेंगे 1 कप दही के अंदर। यहाँ मैंने 1 कप दही ले लिया है। उस दही में मैंने अभी 2 टेबल स्पून जो है वो मसाला जो अभी मैंने आपको बताया है, सूखा धनिया और ज़ीरा, वो ऐड करेंगे। अच्छा, अब हमने इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून जो है वो डालनी है काली मिर्च, और इसके अंदर आपने वाइट पेपर जो है वो भी डाल देनी है 1/2 टेबल स्पून। इन मसालों को ऐड करके उसके बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हमने जो प्याज का पेस्ट इसमें ऐड किया था वो बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसके अंदर दही ऐड कर देंगे। ये 1 बाउल दही है जो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ।
इसमें मैंने एक बाउल दही जो है मसालों के साथ ऐड कर दिया था। एक चीज़ आपको यहाँ बताती जाऊँ, जब आप लोगों ने इसमें ब्लैक पेपर और वाइट पेपर जो है उसको ऐड करना है, तो याद रखिएगा कि आपने पहले लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ हरी मिर्चें भी डाली हुई हैं, तो कहीं ऐसे ना हो कि वो ज़्यादा हो जाए तो वो फिर ज़रा ज़्यादा तीखी आपको लगे, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से, मैंने इसमें हाफ हाफ जो है वो टेबल स्पून डाले हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 स्पून नमक का। नमक हमने इसमें अभी ऐड नहीं किया था, ये इसमें नमक जा रहा है। नमक डाल के इसको अच्छे से हिला लें। जी व्यूवर्स, ये देखें कितनी मज़ेदार हमारी जो है वो वाइट कढ़ाई तैयार हो रही है। ये देखें ऑयल बिल्कुल अलग हो गया है। अब हम इसके अंदर चूल्हे से नीचे उतारने से सिर्फ 2 मिनट पहले मैं इसमें 1 कप क्रीम ऐड कर दूँगी। इसमें जाएगी 1 कप के करीब क्रीम, फ्रेश क्रीम है ये, इसमें हमने ऐड कर दी है। और अब हम इसको अच्छे से हिला के सिर्फ 2 मिनट के लिए पकने देंगे। क्रीम को मिक्स करके इसको अच्छे से हिला लें। क्रीम ऐड करके ये 2 मिनट के लिए हमने पकने के लिए रख दिया है। ये माशाल्लाह इतना खूबसूरत सा इसका कलर आ गया है और ये बड़ी अच्छी लग रही है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। और जाने से पहले मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाऊंगी, उसे ज़रूर देखिएगा और मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।